में बन रहा है। 15 लाख भी आ गए होंगे, 2 करोड़ भी आ गए होंगे, नौकरियां भी, डिजिटल इंडिया भी बन गया होगा, मेक इन इंडिया भी बन गया होगा, भारत स्वच्छ भी हो गया होगा, पाकिस्तान और चीन थर थर कांपने भी लगा होगा। अरे बचा क्या, अब राजनीति आप छोड़िए, अब दूसरे को सत्ता में बैठने दीजिए, विकास करिए, लैपटॉप दीजिए, कन्या विद्या धन। सुनिए सुनिए, लगा के देख रहे हैं अमित शाह जी, दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहुत शानदार है। कोशिश कीजिए आप, धैर्य रखिए, आप कोशिश कीजिए, आप नाटक मत कीजिए, आप धैर्य रखिए। ये वही अयोध्या है जहाँ खास शहर है। 4.5 साल धैर्य रखिए महाराज जी, 4.5 साल धैर्य रखिए, 4.5 8 साल धैर्य रख लिए हमारे। सुनिए क्या बात करेंगे आप, सुनिए आप बताइए। 8 साल धैर्य रख लिए, मजदूर पलायन में मजदूर मर गए। सुनिए स्वामी जी ने कहा अभी हमारे पास मकान ही नहीं है, शौचालय कहाँ बनाऊंगा। आवाज सुने दिया जा रहा है जो अति गरीब हैं। जी जी, हम कहाँ से गरीब हैं, हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है। प्रेस पर मैं निशा झा आज राम जन्मभूमि अयोध्या में मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं अभी मैं सरयू नदी पर हूँ और शाम का वक्त है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती हो रही है यहाँ पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम संत समाज के लोग मौजूद है, कुछ युवा भी मौजूद है और कुछ किसान नेता भी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे यूपी चुनाव के मुद्दों को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज के दौरे पर भी हैं और 23 दिसंबर को वाराणसी के दौरे पर भी जाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं को 1000 करोड़ रुपए की सौगात दी। राष्ट्रीय समूह की योजना के तहत सबके अकाउंट में 15,000 रुपए भेजे महिलाओं के। तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? देश में जब कोरोना था तब प्रधानमंत्री जी तो आत्मनिर्भर के लिए भी बहुत योजनाएं लाए थे, आखिर वो प्रधानमंत्री मोदी जी योजना कहाँ गया? आज आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाता है तब गरीबों के थाली में पुलाव आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी यार तो नारा भी चोरी करने लगी। वो तो पहले कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, आज तो कह रहे हैं बेटी लड़ भी सकती है, बेटी पढ़ भी सकती है, बेटी विश्व कीर्तिमान भी दे सकती है। आप बताइए, अब ये सरकार के शासन काल में हाथरस कांड हुआ, इसके बाद उसी सत्ता में 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे, अनाज दे रहे मुफ्त में, ये आपको नहीं दिख रहा? अच्छा आप बताइए मैडम, शिक्षा जरूरी है या क्या फ्री में हमें राशन जरूरी है? आप मतलब भारतीय जनता पार्टी ये क्या काम करना चाहती है? वो राशन दिया नहीं जा रहा, वो प्रचार किया जा रहा है। 1 किलो देखिए अभी तो मुफ्त में दे रही है। कहां मुफ्त में, कौन से मुफ्त में शिक्षा मिल रहा है? सारे यूनिवर्सिटी सारी केंद्रीय कॉलेजेस जो बंद है सब बंद। योजना के तहत सभी बच्चों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। पैसे करने का भाई, पैसे के गुलाम देना है क्या? इसका पैसा बीजेपी अच्छी कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर, 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया है, तो गरीबों को भोजन देने का काम किया है, और भारत में 1 अरब से अधिक, वो तो 4.5 कह रहे थे आपने और घटा दिए, नहीं नहीं 4 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का कार्य किया है। यही सपा सरकार थी, लोग 15 लाख रुपया देते थे नौकरी नहीं मिलती थी, और यही भाजपा सरकार है, 1 रुपया नहीं लगता है और नौकरी मिलती। सरकार में तो बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। कोई बेरोजगारी नहीं, सबको काम मिला है, अब तो थोड़ा प्रकृति का देन है। और जनता है 24 करोड़ जनता में 4 लाख का, मैं MBA किया हुआ छात्र हूँ, उत्तर प्रदेश में योग्यता के अनुसार रोजगार है। आप बताइए MBA नहीं, 5 साल पहले आप बताइए उत्तर प्रदेश में कौन सा रोजगार है? उत्तर देश में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में महाराज जी देख, अब आप बताइए जो लोग ढोंग के नाम पे, भगवा के नाम पे देश को बदनाम करना चाहते हैं, अब धर्म के नाम पे बेचा नहीं रक्षा तीर अच्छीता, धर्म का रक्षा करने वाले को धर्म रक्षा करती है भारतीय जनता। आपने कहा योगी सरकार में उत्तर प्रदेश बहुत विकसित हुआ है, बहुत विकास हुआ है। ध्यान देखिए, लाइट का काम जो है ये योगी सरकार का है, रोड का काम है, घर घर लैट्रिन, घर घर शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपया, गरीबों के लिए 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आंकड़ा आया कि 24 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की कुल आबादी, उसमें से 15 करोड़ तो गरीबी है, तो क्या विकास कर रही है योगी सरकार? इस पे विपक्ष सवाल उठा रही है। नहीं, विपक्ष 80 करोड़ को खाना खिला रही है। नहीं, विपक्ष सवाल उठा रही है, विपक्ष का ये धोधी जो है तुष्टिकरण की राजनीति। आंकड़ा नीति आयोग का आया है। नहीं नहीं, भाजपा सरकार कार्य कर रही है, अच्छी कार्य कर रही है। कार्य कर रही है, 5 काम मुझे गिना, 5 काम टोटल, 5 काम, 5 काम मैं गिना देता हूँ। घर घर शौचालय देने का काम किया है, गरीबों को आवास देने का काम किया है, और 4.5 लाख लोगों को नौकरी, युवाओं को नौकरी देने का। अभी योगी जी आए थे, बहुत बड़े विश्वविद्यालय का जो है, देखिए अभी नहर का उद्घाटन करके गए हैं, अभी नौगढ़ या बलरामपुर में आए थे, नौगढ़ का है। इस समय तो उद्घाटन पे उद्घाटन हो रहा है, अनाज दिया जा रहा है,
ये केवल चुनावी जुमला है। यहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली प्रधानमंत्री एक सेकंड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख घरों में से 25 लाख घर महिलाओं को दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने आज। महिलाओं को दिए होंगे लेकिन हमने अभी आंकड़ा नहीं पता। आवास जो है हमारे जिले में हमारे क्षेत्र में अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन सपा सरकार में अंडरग्राउंड बिजली, अंडरग्राउंड सीवर, यहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण, 85 सड़कें, ये महिलाओं के लिए घाट पे चेंजिंग रूम, बहुत काम विकास करा है। भजन संध्या अखिलेश यादव ने अयोध्या में करवाया। आप क्या कहेंगे, आप योगी सरकार से खुश है? योगी सरकार से कहाँ से खुश है, मैं ये शौचालय वाली बात कर रहे हैं। 8 महीने से हम अप्लीकेशन दे रहे हैं, मोहल्ले जलवारपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं बना हुआ। मैं अपने बच्चों के लेके खून के आंसू रो रहा हूँ। क्या कर रहे हैं भाई, कोई नहीं, गोताखोरी करते हैं, पैसा हेरते हैं, कमाते खाते हैं, क्या करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ योजना के तहत काफी शौचालय बने हैं। क्या बने हैं? हम मोहल्ला जलवानपुर के रहने वाले, हमारा घर में चलिए तलाशी ले लीजिए, हम यहीं पर हैं। मिलता है आपको जो मुफ्त राशन मिलता है, ये तो है सत्य वाली बात, सत्य है, लेकिन हमको जो नहीं मिला वो उसके लिए हम खिलाफ है। इस बार किसके साथ जाना पसंद करेंगे, योगी के साथ जाएंगे? भाई जाना कहाँ, जब हमारे यहाँ शौचालय नहीं बनेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अखिलेश नहीं जा पाएंगे, हमारे हमारे अभी इन्होंने कुछ नहीं, हमारा चेकिंग करिए। नहीं, घर घर शौचालय बनने का काम हुआ, सभी को 12,000 रुपया गया है, नहीं गया होगा इनके जो है घर का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, जिसके नाते नहीं कुछ कागजी फॉल्ट होगा, इसके लिए नहीं गया होगा, सबको जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में शौचालय नहीं बना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। गांव गांव में जा करके देखिए, सबके घर में शौचालय बना है, सबके घर में। देखिए मैम जी, देखिए मैम जी, आज के जमाने में जहां भी कोई काम पड़ता है बिना पैसे दे कोई काम नहीं होता। जिसने पैसा नहीं दिया उसको शौचालय नहीं मिला, उसको आवास नहीं मिला। आपको लगता है पैसा दे के शौचालय बनता है? घूस देने पे बनता है। और 12,000 में क्या बनेगा आप बताइए, 12,000 में हमको मिला, हमको नहीं मिला है, हमको नहीं मिला, हमको तो बिल्कुल नहीं मिला, हम बिल्कुल नहीं मिला कुछ आपको। हमारे पास मकान ही नहीं है, शौचालय कहाँ बनाऊंगा? आवास उन्हें दिया जा रहा है जो अति गरीब हैं। हम कहाँ से गरीब है, हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है। गरीब तो उनके लिए वो है जिनके कोई 15,000-20,000 वेतन आ रहे हैं, जिनको 1 रुपये वेतन नहीं आ रहा, उनके मंदिरों में कर लगाया जा रहा है। जो 4,000 मंदिर में टैक्स लगता था, आज वो 40,000-60,000 टैक्स लग रहा है। आप लोग संत समाज के मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण? बहुत खुश है, ये हमारी अंतरात्मा की इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी, लेकिन केवल मंदिर बनाकर हमारे देश को लूट ले जाए ऐसा कोई शागिर्द नहीं मिला था। ये आज देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने रात में 4 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ाई है, और वो उन पर भी बढ़ाई है जो रोजगार में नहीं है। देश में आप देख रहे हैं 30% लोग से ज्यादा रोजगार में नहीं है। लेकिन अब खुद संत हो गए, योगी जी भी तो संत है, जल कन्याल के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, और योगी जी पहले एक तय कर लें, योगी हैं, संत हैं, कोई सन्यासी हैं या राजनेता हैं, पहले वो इतना तय करें, इसके बाद में बता दूंगा उनके समर्थन में हो या विरोध में। योगी भाई कर्म योगी, कर्म किया ही नहीं योगी कहाँ से हो जाएगा, कर्म करने वाला कर्म योगी होता है, और कर्म किसे कहते हैं मुझे मालूम है। अनुपयोगी है वो, उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है वो। प्लस योगी बहुत उपयोगी, मोदी नहीं अनुपयोगी है, योगी जी कोई उपयोगी नहीं। कहाँ से योगी हो गया, 56 मुकदमे वाला योगी हो गया, वो तो अपराधी है। ठीक है, अपराधियों के साथ अपराध करने वाला रहता है, साधु के साथ साधु रहता है, और भी स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट रहता है, गरीब के साथ गरीब बैठा हुआ होता है, वो साधु नहीं है, वो नेता है, और नेता में 56 मुकदमे वाले अपराधी हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं? देखिए एक बात बताइए, आज मोदी भक्त वही होंगे जिनके पिताजी बैंकों के लिए धरना दे रहे होंगे, बैंक नौकरी के लिए, ठीक है, और उनका बेटा कह रहा होगा मोदी भक्त मुक्ति, वही भक्त बचे हैं अभी इस देश में, ना योगी भक्त ना मोदी भक्त। आप बताइए, महाराज जी ने कहा कि अभी शौचालय मिल गया, सबको शौचालय मिला, यही व्यक्ति लोग कह रहे हैं शौचालय नहीं मिला है, इज्जत घर नहीं मिला है। आप बताइए, सरयू नदी पे आप खड़े हैं, आखिर बताइए कपड़ा चेंजिंग के कितने रूम है? आप बताइए, महाराज जी से पूछिए ना, महाराज जी कितने चेंजिंग रूम है यहाँ कपड़ा के? हाँ जाकर देखिए कितने रूम है, कितने बनाया महाराज, क्या बनाया बना हुआ है, सभी घाटों पे चेंजिंग रूम बना हुआ है। चलिए हमारे साथ, जी जी जी, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ संत भी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, आप क्या योगी सरकार से खुश हैं? देखिए जब देश में कोरोना था तो एक बाप की चिता जल रही थी, और एक मुख्यमंत्री बाप के चिता के पास नहीं गया,
जब आप सुनिए, जरा सुनिए, आप सुनिए, जरा सा धैर्य रखिए, जरा सा धैर्य रखिए, जरा सा धैर्य रखिए। एक तरफ बाप की चिता जल रही थी, एक तरफ कोरोना बैठक कर रहा था, और एक तरफ आप सुनिए, एक तरफ देश जल रहा था और सफाई में नाच हो रहा था। और सुनिए, अब बात मत काटिए हमने, मैं या तो ये कहिए कि ये सपा पर जो बैठक है, या तो ये कहिए कि ये आपने जो बुलाया है ये सपा ने बोले बुलाया है, या तो बात सुनने की कोशिश कीजिए आप लोग। सुनिए अभी आप अभी आप ही ने कहा है ना कि पत्रकार दलाल होता है, पत्रकार दलाल नहीं होता है, पत्रकार निष्पक्ष को बोला था मैंने कुछ को, क्यों नहीं बोलेंगे जब अडानी के, सुनिए 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 सुनिए, मैंने कुछ को बोला है जब अडानी के प्ले, सुनिए सुनिए इनको, जब अडानी के गोदाम में ड्रग्स 300 किलो ड्रग्स मिलता है तब उस पर चर्चा नहीं होती है, और जब 200 ग्राम उस पर ड्रग्स कहीं मिल जाता है तो ये बताइए आपको, आपको इतनी दुश्मनी क्यों है इतना एक्सप्रेस वे का, जो वो शिलान्यास कर रहे वो आपको नहीं दिख रहा? कहाँ शिलान्यास कर दिए? गरीबों को बेड नहीं मिला और क्या एक्सप्रेस वे बना, बुंदेलखंड भी निर्माण बनने का ना, दो में बन रहा है, 15 लाख भी आ गए होंगे, 2 करोड़ भी आ गए होंगे, नौकरियां भी, डिजिटल इंडिया भी बन गया होगा, मेक इन इंडिया भी बन गया होगा, भारत स्वच्छ भी हो गया होगा, पाकिस्तान और चीन थर थर कांपने भी लगा होगा। अरे बचा क्या, अब राजनीति आप छोड़िए, अब दूसरे को सत्ता में बैठने दीजिए, विकास करिए, लैपटॉप दीजिए, कन्या विद्या धन, तो कह रहे कोई विकास नहीं हुआ है। जिनकी आंखें अंधी होती उनको दिखाना ही पड़ता है, सुनिए सुनिए, लगा के देख रहे हैं अमित शाह जी, दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बहुत शानदार है। कोशिश कीजिए आप, धैर्य रखिए, आप कोशिश कीजिए, आप नाटक मत कीजिए, आप धैर्य रखिए, ये वही अयोध्या है जहाँ खास शहर है। 4.5 साल धैर्य रखिए महाराज जी, 4.5 साल धैर्य रखिए, 4.5 8 साल धैर्य रख लिए हमारे, सुनिए क्या बात करेंगे आप, सुनिए आप बताइए, 8 साल धैर्य रख लिए, मजदूर पलायन में मजदूर मर गए, सुनिए स्वामी जी ने कहा अभी अपने पिताजी, एक एक स्वामी जी कर पात्र जी, अच्छा आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोलिए 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 बोलिए, योगी जी इन्होंने कहा कि योगी जी जो है कहाँ जा रहे हैं, भाग रहे हो, ए महाराज इधर आओ, ए भाजपा वाले भाग रहे हैं, ये देख लो भाजपा वाले भाग लिए, मैदान छोड़ के भाग गए। मैं जवाब दे रहा हूँ इनका कि इन्होंने कहा कि योगी महाराज अपने पिताजी के अंतरिष्टि में नहीं गए, लेकिन जो मैं संत बन गया बचपन में, अगर साधु बन गया तो हम लोग अपने घर परिवार को त्याग देते हैं, हम लोग कभी अपने घर पे जीवन में नहीं जाते, या तो पिताजी गुजरे या तो माताजी गुजरे, हम लोग त्याग देते हैं नात बात रिश्तेदार सब परिवार। इनका वीडियो है योगी आदित्यनाथ जी का, सदन में रो रहे थे, उन्होंने कहा मैं घर को छोड़ा हूँ, परिवार को छोड़ा हूँ, मैं एक संत हूँ, ऐसे बोल के वो रो रहे थे। तो वही संत है फिर कैसे घर द्वार जाएंगे, कैसे पिताजी के अंतरिष्टि में जाएंगे? हम संतों का यही तो संत, अगर जो सच्चा संत है वो घर परिवार त्याग देता है तो वो कभी घर नहीं जाता है, चाहे वो बाप मरे, चाहे माता मरे, चाहे भाई मरे, चाहे रिश्तेदार बने। और ये कह रहे हैं कि जो है योगी जी नहीं गए, ये आधा अधूरा बात बोल के चले गए और भाषे में चले गए जी, हम तो वही बता रहे हैं संत कभी नहीं जाते, क्योंकि कोई जवाब नहीं था इसलिए वो गुस्सा होकर चले गए। देखिए तथ्यात्मक, ये तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं, केवल कुतथ्यात्मक बात कर रहे हैं, केवल कुतथ्यात्मक बात कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति को छोड़कर कभी युवाओं के बारे में भी सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं योगी सरकार से, आप खुश हैं? योगी सरकार का एक कारनामा मैं बीजेपी को दिखाना चाहता हूँ आपको, हमारे मोबाइल में है, पहले देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग, दारू पिला करके युवाओं के बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग दारू पिया करके युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं पार्टी में, देख लीजिए ये यही इनका विकास है, देख लीजिए भाजपा का विकास देख लीजिए। और जब इनसे आप शिक्षा की बात करेंगे, जब इनसे रोजगार की बात करेंगे, जब इनको स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो ये आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान मंदिर और मस्जिद पर ले जाएंगे, यही इनका असली चेहरा है। और ये लोग कभी इस देश को उन्नति पर नहीं ले जाना चाहते हैं, ये तो आपको तो वही 70 साल वाला पहले वाला काम गिनाना चाहते हैं। आप कुर्मी हो तो खेत जोतो, अहीर हो तो दूध दुहो, पंडित हो तो पूजा करो, और फलाने हो तो खुरपी पीटो, लोहार हो मौर्या हो तो ये करो, यही इनका काम रह गया। लेकिन योगी जी ने कुछ तो कार्य किया होगा, योगी जी कौन, सुनिए
सुनिए, कोरोना काल में पलायन में मजदूर मर गए, किसान आंदोलन में किसान मर गए, और क्या कहते हैं नौकरी मांगते मांगते नौजवान मर गए, किसान आत्महत्या कर रहा है। अब आ जाते हैं अयोध्या पर, देश व प्रदेश की जनता की नजर है इस समय अयोध्या पे है। अयोध्या में गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनको खाली किया जा रहा है। गरीब के देखिए व्यापारियों के दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसानों की जमीनों को हथियाया जा रहा है, और गरीब मर जा रहे हैं, सरसों का तेल नहीं खा पा रहे हैं, गरीब मर जा रहे हैं, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं, गरीब एक आम आदमी मर जा रहा है, पेट्रोल डीजल नहीं डला पा रहा है। आप कैसा रामराज लाना चाहते हैं? ये वही रामराज लाना चाहते हैं जैसे रामराज में क्या था, लाल किला कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो काम हुआ नहीं था। सुनिए, लाल किला नहीं था, बेच दो। क्या कहते हैं, हवाई अड्डा नहीं था, बेच दो। रामराज में जब हवाई अड्डा नहीं था, बेच दिया। सुनिए, विश्वविद्यालय नहीं था, बेच दिया। तो जब राम थे तो ये सब नहीं थे, इसलिए ये बेच रहे हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे, सपा या कांग्रेस या? देखिए, विकास के साथ जाएंगे, विकास के साथ। किसी पार्टी का गुलाम? विकास के साथ, विकास के साथ, विकास के साथ। आप किसके साथ जाएंगे? विकास, विकास, विकास। आप